दरेगांव नाके से लेकर नया फारान तक की खराब रोड के लिए कल मुस्तकीम डिग्निटी ने कारपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर और इंजीनियर के साथ दौरा किया था। आज इसका पेशवर का काम जारी किया गया, मगर काम इंतहाई घटिया क्वालिटी में हो रहा है। मुस्तकीम डिग्निटी ने कल ही कहा था कि मोरम और कंकर डालने की मुखालफत की थी और डामरीकरण का मुतालबा किया था, मगर आज रोड पर जहां छोटे बड़े गढ़े हैं उन गढ़ों पर बिना डामर डाले सिर्फ पत्थर और बारीक कंकर डाला जा रहा है। ठेकेदार से पूछने पर ठेकेदार भी झूठ बोल रहा है, कहा कि डामर डालकर बराबर किया जा रहा है, मगर आप वीडियो में देख सकते हैं कि ड्रम के अंदर भी डामर नहीं है और दो दिन से आग से खाली ड्रम को जलाया जा रहा है। इस तरह से बेवकूफ बनाने का काम प्रशासक कर रही है। प्रशासक भालचंद्र गोसावी का भोंडा मजाक शहर के सेंट्रल हिस्से में बदस्तूर जारी है और शहर में नुमाइंदगी का फुकदान नजर आ रहा है। देखिए, ये जो गड्ढे के अंदर बारीक बारीक खली डाले हैं, ये खली सिर्फ ऐसी डाल दिया और बोले, हमने जब उनसे पूछा ठेकेदार से कि ये किस तरह डामर नहीं है यहाँ, तो बोले डामर डाले हुए, ये खली डाले, देखिए किस तरीके से पूरी रोड पे फैल गई है। ये खड्डे से ज्यादा तकलीफ तो ये हो गए, ये पूरी रोड पे इसी तरीके से बारीक बारीक खड़ी ऐसे बिछी हुई है, डामर का पता नहीं है। ये लोग बोलते हैं हम लोग डामर डाले हैं, तो कहाँ डामर है, पूरी रोड पे बारीक बारीक खड़ी बिछी है। कल 15 दिसंबर से मालेगांव शहर में स्पिनिंग मिल के पीछे इज्तिमा तबलीगी जमात का 2 रोज़ा इज्तिमा का आगाज हो रहा है और इस इज्तिमा की तैयारियाँ काफ़ी दिनों से चालू है, मगर कॉरपोरेशन के कमिश्नर और इंतज़ामिया से इस बात की गुजारिश की गई थी जब वो इज्तिमा गाह का दौरा करने के लिए आए थे कि ये रास्ता जो आगरा रोड का रास्ता है और पवारवाड़ी का रास्ता है, ये इंतहाई खस्ता हाल है, धूल मिट्टी से आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और कमिश्नर साहब ने वहाँ पर यह वादा किया था कि मैं जल्द ही इज्तिमा से पहले ही इस रोड की दुरुस्ती करवा दूँगा, मगर कल तक इस रोड की दुरुस्ती का कोई काम शुरू नहीं हुआ था। कल दोपहर में मुस्तकीम डिग्निटी साहब और जनता दल सेकुलर के वर्करों ने कॉरपोरेशन नायब कमिश्नर से मुलाकात की और इसी के साथ साथ डिप्टी इंजीनियर ST चौरे और गवांदे साहब को जो है यहाँ पर लेकर आए और उनके साथ यहाँ पर हमने दौरा किया और हमने उनकी निशानदेही की कि फला फला जगह गढ़े हैं जिसकी वजह से आने जाने वालों को तकलीफ है। आगे जो है नए फारान हॉस्पिटल से के बाद से लेकर इज्तिमा गाह तक मुसलसल रास्ते ख़राब हैं, धूल इस कदर है कि एक मरतबा आदमी इस रोड से गुजर होता है अगर उसका तो पूरा चेहरा बगैर धोए नहीं रह सकता आदमी। और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कल यहाँ दौरा किया, उसके बाद ऑफिसरान थोड़ा हरकत में आए और काम आज शुरू किया गया। आज बुध का दिन है, कल जुमेरात इज्तिमे का पहला दिन रहेगा, बुध के दिन आज यहाँ पर काम हो रहा है, मगर काम की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी में काम नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इस्माइल रहमानी साहब, बाकिर भाई और दीगर जो है जिम्मेदारान यहाँ काम का जायज़ा लेने के लिए आए, मगर हम यहाँ देखे कि यार काम किसी भी तरीके का क्वालिटी में नहीं हो रहा है। जिस तरीके से नदी के उस पार किसी भी तरीके का धार्मिक प्रोग्राम हो, कोई भी तरीके का धार्मिक मामला हो, यहाँ पर काम करने की बात आती है तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी में काम हमको दिखता है। इस इज्तिमा गाह में लोग जो है साफ सुथरे कपड़े पहनकर पाक साफ होकर के इज्तिमा गाह आएंगे, मगर देखा यह जा रहा है कि इस धूल मिट्टी से वो जो है किसी तरीके से सेफ नहीं रह सकते। जिस तरीके का काम यहाँ पर रोड का हो रहा है वो इंतहाई खराब है। इज्तिमा गाह 15-16 तारीख को है मालेगांव शहर के अंदर, लेकिन कोई रोड का आगरा का काम नहीं हुआ। कल मुस्तकीम डिग्निटी की रहनुमाई में और उनके साथ हम लोग यहाँ पर आ करके यहाँ पे काम देखे रोड पर और काम शुरू हुआ, लेकिन काम जैसा होना चाहिए था ग्रेडिंग का वैसा काम नहीं हुआ। आप देख लो रोड के अंदर पूरा बारीक बारीक पत्थर डाले, डामर तो है ही नहीं, तो पत्थर की वजह से और भी ज़्यादा यानी गाड़ी वगैरह पंचर होने का खतरा है, गाड़ी स्लिप होने का खतरा है, लोगों की जान जाने का और खतरा बढ़ गया। इससे तो बेहतर पहले ही था, लेकिन अभी जो कॉरपोरेशन काम कर रही है वो नाकारा नाआयल काम है और हम मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश करेंगे कि इस तरीके का काम हम लोगों को पसंद नहीं है जो काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखो काम की कितनी खराब नवैयत है, तो काम इससे इस तरीके से अगर शहर के अंदर दीनी मिल्ली काम हो और इस तरीके का काम किया जाए
तो शहर की आवाम क्या होगी उसके अंदर। अगर मुस्तकीम भाई कल अगर कॉरपोरेशन के अंदर कमिश्नर साहब के पास बैठे नहीं तो ये काम भी नहीं होता था। अब कल से इज्तिमा शुरू हो रहा है, उसके बाद भी एक कतरा आप देख लो वहाँ पे कोई चीज़ यानी ऐसे मुकम्मल कोई काम हो नहीं रहा वहाँ पे। मैं मुस्तकीम दिग्नेति साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश भी करता हूँ, जरे काम में भी हम मौजूद है, हम कल भी आए थे यहाँ पे और अभी देख लो आप अपनी आँखी से कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। कोई भी काम है नहीं, मुकम्मल हुआ ही नहीं अभी तक, अमर नहीं है और कोई काम मुकम्मल नहीं है।